Hello and welcome guys, how are you? Hope you all will be doing well. So guys, first of all, if you haven't subscribed to our channel, kindly do subscribe to it ताकि आपको हमारी lesson की videos मिलते रहें और हमें जो है ना motivation मिलती रहे और हम जो है ना इसी तरीके से एक दूसरे के साथ contact में रहें और intact रहें. So guys, let's move to our today's lesson. Our today's lesson is lexical studies. In lexical studies, we will take a lesson of various types of lexemes. So फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आउटलाइंस देख लेते हैं. इसमें सिंपल लेक्सिम, कम्प्लेक्स लेक्सिम, कंपोजिट लेक्सिम, मल्टी वर्ड लेक्सिम, कंपाउंड लेक्सिम, एडियम्स, फ्रेजल लेक्सिम, फ्रेजल वर्ब्स, लेक्सिम फ्रॉम डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आर लेसन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्सिम में सबसे पहले हम सिंपल लेक्सिम स्टडी कर लेते हैं. सिंपल मीन्स कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड लाइक गिव एंड रेड. इट मे बी अ बेस फ्रॉम प्रायर टू एनी फिक्सेशन. अच्छा, ये एक वर्ड होता है जो कि अपने आप में आपको एक मीनिंग दे रहा होता है, इसीलिए हम इसको एक सिंपल लेक्सिम बोलते हैं. इट्स बेसिकली ए सिंगल वर्ड. इसमें जो है ना कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, कोई टू वर्ड से मिलके जो है ना एक लेक्सिम नहीं बना होता. सो इट इज़ सिंगल वर्ड एंड अ सिंगल लेक्सिम. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन स्लाइड. इन द नेक्स्ट वन स्लाइड there is a complex, composite and multi-word lexeme. Complex made of many different things or parts that are connected, difficult to understand. Composite made of different parts. अच्छा, इसमें composition होती है. complex lexeme इसको इसीलिए ही बोला जाता है क्योंकि different parts से मिलकर बना होता है. multi-words होते हैं इसमें, consisting of more than one word, multi-word units such as fall in love. like it is a single lexeme but it contains three words, so it is known as complex lexeme. So let's move towards the next one slide. In the next one slide is a again is a complex, composite and multi-word lexeme. इसमें आपको जो है ना सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है कि डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है. ठीक है, सही. इसमें डिफरेंट वर्ड्स को कनेक्ट करके जो है ना उसको एक ही लेक्सिम बना दिया जाता है. तो जैसे कि फॉल इन लव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो है ना एक मल्टी वर्ड लेक्सिम है. सो इन द नेक्स्ट वन स्लाइड वी कैन स्टडी द कम्प्लेक्स मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन सच एज गिव अप, रेड टेप, किक द बकेट. सो ये भी हम इसमें कह सकते हैं, इसको ये भी एक मल्टी वर्ड लेक्सिम में आ जाते हैं. गिव अप, रेड टेप, किक द बकेट. इसमें डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करके सिंगल लेक्सिम बना दी गई. ऑल्दो इसमें वर्ड्स ज़्यादा हैं बट इट इज़ अ सिंगल लेक्सिम. कम्प्लेक्स मल्टी वर्ड लेक्सिम इंक्लूड इडियम, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल लेक्सिम्स, फ्रेजिस, कंपोजिट लेक्सिम एंड कंपाउंड लेक्सिम. अच्छा, अब इसके फर्दर टाइप्स देख लेते हैं हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देख लेते हैं कि आपको ऑलरेडी कम्प्लेक्स का बता दी कि कम्प्लेक्स लेक्सिम एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होते हैं. सो कम्प्लेक्स यानी कि मल्टी वर्ड लेक्सिम में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है वो ऑलरेडी जो है ना हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में. अच्छा, इसमें जो है ना कंपाउंड लेक्सिम, कंपाउंड नाउन्स यानी कि रेड वर्ड, सनलाइट, ये इसके आपके पास एग्जांपल्स हो गए हैं. कंपाउंड वर्ड्स जैसे स्टार गेज और हेयर, ये आपके पास एक सिंगल लेक्सिम है बट इट कंटेन्स मोर वर्ड्स. कंपाउंड एडजेक्टिव जैसे कि अंडर साइज्ड एंड आइस कोल्ड, इट इज़ अ सिंगल लेक्सिम कंटेनिंग more than one words. So let's move towards the next one slide. The different type of lexemes. इसमें compound lexeme के आपके पास आ जाते हैं. जैसे इसमें आपको examples भी quote किए हुए हैं, redwood, sunlight, ये आपके पास जो है ना words ज़्यादा हैं जबकि आपके पास एक single lexeme बनाया हुआ है. close compound, compound verbs, इसमें जो है ना आपके पास stargaze आ जाते हैं और over here आ जाते हैं, ये इसके examples में आपको quote कर दिए हैं. इन hyphenated compound, compound एडजेक्टिव आ जाते हैं, इसमें अंडर साइज और आइस कोल्ड, ये सिंगल लेक्सिम है बट इट इज़ अ कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लेक्सिम. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन स्लाइड. इन द नेक्स्ट वन स्लाइड स्ट्रक्चर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड लेक्सिम यानी कि ओपन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स रिटन एज सेपरेट वर्ड्स लाइक एंड जोन एंड हाई स्कूल. अच्छा, इसमें आपको जो है ना लेक्सिम से एक ही होता है बट इट में इसमें जो है ना आपको स्पेस दे दिया जाता है जैसे कि एंड जोन, जैसे सिंगल लेक्सिम कंटेनिंग टू वर्ड्स बट इसमें जो है ना बीच में एक स्पेस, सेपरेट वर्ड्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि हाई स्कूल, ये भी एक सेपरेट लेक्सिम सेम है बट इट कंटेन्स सेपरेट वर्ड्स. एक इसमें सेकेंड जो इसकी टाइप आ गया वो क्लोज कंपाउंड्स, कंपाउंड्स रिटन एज सिंगल वर्ड. अच्छा, ये आपको सिंगल वर्ड में जैसे न्यूज़पेपर, इसको आप स्पेस दे के नहीं लिख सकते हो. गोल्ड फिश, हाई वे,
although it contain two words but it is a single lexeme containing no space. Third, इसमें हमारे पास इसकी टाइप आ जाते हैं hyphenated compounds, compounds that are hyphenated like mother-in-law. सेकेंड रेट, इसमें आपको हाइफन मस्ट ऐड करना पड़ता है, सो दीज आर हाइफनेटेड कंपाउंड्स. ऑल्दो इट इज़ ए सिंगल लेक्सीम कंटेनिंग मोर देन वन वर्ड बट इट कंटेन्स हाइफन्स. तो ये इसके ये कंपाउंड लेक्सीम की थ्री टाइप्स आपके पास आ गए हैं. थ्री स्ट्रक्चर, इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको बता दिए गए हैं. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन स्लाइड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्सीम, मल्टी वर्ड और कंपोजिट लेक्सीम इज ए लेक्सीम मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड ऑर्थोग्राफिक वर्ड सच एज अ फ्रेजल वर्ब, यानी जैसे कि इसके एग्जाम्पल में है स्पीक अप, पुल थ्रू, एंड ओपन कंपाउंड लाइक फायर इंजन एंड काउच पोटैटो, और एन idiom थ्रो इन द towel, गिव अप, द गोस्ट. अच्छा, ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्सीम, मल्टी वर्ड लेक्सीम में, कॉम्प्लेक्स लेक्सीम में आपको जो है ना इसकी थ्री डिफरेंट जो है ना आप आपकी इसको जैसे कि थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में आपको बता दिए कि इसको कैसे जो है ना कर सकते हैं, वर्ब में, फ्रेजल वर्ब में, ओपन कंपाउंड में और idiom में जो है ना कौन कौन सी आपके पास कम्प्लेक्स लेक्सीम आ जाते हैं. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. इज द कंपाउंड लेक्सीम कैन हैव टू रूट्स, इसमें आपके पास टू रूट्स हो सकते हैं जैसे कि ब्लू बर्ड एंड वाइट हाउस. ठीक है, ये आपको इसके एग्जाम्पल्स में दे दिए गए, लाइक जैसे कि दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स हैविंग टू डिफरेंट मीनिंग्स, बट ये आपको एक सिंगल वर्ड में जॉइन करके आपको एक सिंगल लेक्सीम बना दिए गए. ऑल्दो इट गिव्स द कंप्लीट मीनिंग, और ये जो है ना एक साथ में जो है ना मिलके एक आप इसको कह सकते हैं एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, साथ में जो है ना एक अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट दीज आर डिफरेंट वर्ड्स हैविंग द डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट इसकी रूट्स हैं, बट ये जो है ना ज्वाइन करके आपको एक ही लेक्सीम बना देता है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन स्लाइड. अ बेसिक लेक्सिकल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स दैट एलिमेंट्स ऑफ विच डू नॉट सेपरेटली कन्वे द मीनिंग ऑफ द होल. अच्छा, कभी कभी आप ऐसा हो सकता है कि लैंग्वेज में टू डिफरेंट वर्ड्स जो है ना वो आपको जब आप उसको ज्वाइन करते हैं तो वो आपको एज अ होल एक ही मीनिंग दे देता है. ठीक है, आप जब आप इसको सेपरेटली लिखते हैं तो दीज आर टू डिफरेंट टू सेपरेट वर्ड्स कंटेनिंग हैविंग देयर ऑन रूट मीनिंग और हैविंग देयर ऑन मीनिंग, बट जब आप इसको लेक्सीम बना देते हैं तो वो एक आपको सिंगल मीनिंग दे देते हैं. जैसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरीज में आपको मिनिमल मीनिंग मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज द मीनिंग ऑफ विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कंपोनेंट मॉर्फीम्स टेक ऑफ इन द सेंसेस टू मिमिक टू बिकम एयरबॉर्न एक्सेट्रा इज अ लेक्सीम. अच्छा, ये आपको टेक ऑफ की एग्जाम्पल दे दी है कि जब ये आपस में मिल जाते हैं तो आपको एक कम्प्लीट मीनिंग दे देते हैं. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. इसमें आपके पास जो है ना फ्रेजल लेक्सीम आ जाता है. द अदर मल्टी वर्ड लेक्सीम इज अ फ्रेजल phrasal lexeme rather than a compound. Phrasal lexeme have a number of common structures of which the noun plus prepositions plus the noun plus proposition plus noun. Here are the further examples of this structure. Cash on delivery. अच्छा, ये आपको phrasal lexeme की भी example quote कर दी गई. Cash on delivery जब आप जैसे आप इस पर देख सकते हैं कि इसमें जो है ना नाउन आ गया है, उसके बाद प्रेपोजिशन एंड देन अगेन नाउन. कोर मीनिंग अ सिस्टम ऑफ पेइंग फॉर गुड्स व्हेन दे आर डिलीवर्ड. अच्छा, ठीक है, जैसे कि हॉस्टेज टू फॉर्चून, लाइक नाउन प्रेपोजिशन नाउन. इट गिव्स यू व्हेन दे जॉइन टुगेदर दे गिव्स यू द होल मीनिंग. सो let's move towards the next one point, corresponding something that you have or have to promise to do that could cause trouble or worry in the future. अच्छा, ये आपको जो है ना थ्री डिफरेंट एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में कोट कर दिए गए हैं. इसके हॉवर्ड जैक्सन लेक्सिकोग्राफी एंड इंट्रोडक्शन लंदन 2000. जो ये आपको इसकी एग्जाम्पल भी कोट कर दी गई. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन स्लाइड. अ सेकेंड फ्रेजल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ नाउन इन द पोजेसिव फॉलोड बाय अनदर नाउन. जैसे कि एथलीट फुट आपको इसकी फॉर्म दे दी गई है, ये भी एक एथलीट्स फुट, ये आपको फ्रेजल लेक्सीम में दे दिए गया है. कोर सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट, स्किन डिजीज दैट इफेक्ट्स द फीट स्पेशली बिटवीन द टोस. अ थर्ड फ्रेजल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टू
words of the same type like noun, verb, adjective join in the conjunction, and these are sometimes called by जैसे कि by nominals, ठीक है, ups and downs. तो ये एक single axiom आपके पास हो गया है, तो इसको आप binomials भी कह सकते हैं. Core systematic concept, the mixture of good and bad things in life or in the particular situation or relationship. अच्छा, ये आपको जो है ना एक मीनिंग दे देता है, अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ के इवेंट्स में आपको अप्स एंड डाउन्स आते रहे, तो ये आपको इस तरह का एक कंसेप्ट दे देता है. सो दैट्स इट फॉर नाउ, होप यू एंजॉयड द लेसन, गुड बाय.